हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यू पैरामीटर्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस। क्योंकि सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस के अंदर करंट की क्या स्थिति रहती है, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो सारे लेक्चर्स जो है चैनल पे पड़े हुए हैं, आप रिफर कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला पैरामीटर जो होता है वो है आपका क्वालिटी फैक्टर क्यू। क्वालिटी फैक्टर क्यू जो होता है, क्यू को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो क्यू इज डिफाइंड एज क्यू इज इक्वल टू टू पाई इंटू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैक्सिमम इनर्जी स्टोर्ड इन वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी इन वन साइकिल और डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल या पर साइकिल लिख सकते हैं आप। ठीक, वो चीज कहलाती है क्वालिटी फैक्टर किसी भी सर्किट का। तो इसको जब इसका डेरिवेशन आपको सारी बुक्स में सब जगह मिल जाएगा, तो उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इसका जब डायरेक्ट इसको जब आप सॉल्व करके फॉर्मूला निकालेंगे तो आपका क्यू इज इक्वल टू निकल के आएगा क्यू इज इक्वल टू ओमेगा जीरो एल अपॉन आर। ठीक है, या अगर आप कैपेसिटेंस के उसमें बात करेंगे तो ये निकल के आएगा वन अपॉन ओमेगा जीरो सी आर। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, जहां पे ओमेगा जीरो यहां पे क्या है, ओमेगा जीरो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। ठीक है भाई, एल आर आपको मालूम है रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, ओमेगा जीरो इज द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। क्लियर, तो ये है आपका फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का। और क्वालिटी फैक्टर एक तरह से क्या है, क्वालिटी फैक्टर एक तरह से वो पैरामीटर है जो किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट की क्वालिटी बताता है, उसकी परफॉर्मेंस बताता है कि वो सर्किट कितने अच्छे ढंग से काम करेगा या उसके आउटपुट की क्वालिटी कितनी बेहतर होगी। दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ये तो हो गया आपका पहला पैरामीटर। उसके बाद सेकंड हम लोग बात करेंगे, सेकंड एक पैरामीटर आता है वो होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। सेकंड पैरामीटर जो है वो आप लिख सकते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक, वोल्टेज मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कितना वो वोल्टेज को मैग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एल और सी एंड द सप्लाई वोल्टेज इज कॉल्ड द वोल्टेज मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज। ठीक, तो यहां आप लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या है L एट रेजोनेंस जब हुआ है कंडीशन में सर्किट में उस पे इंडक्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है डिवाइडेड बाय हम उस समय सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज एट रेजोनेंस। ठीक है, ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। अगर मान लीजिए हम इंडक्टेंस की बजाय कैपेसिटेंस की टर्म में बात करें, इसको आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि वी एल जीरो अपॉन बी। अगर कैपेसिटेंस में लिखेंगे तो आप इसी को वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस लिख दीजिए, कैपेसिटेंस सी एट रेजोनेंस और डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज एट
रेजोनेंस, ये हो जाएगा आपका, इसको हम वी सी जीरो अपॉन वी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका वोल्टेज मैग्निफिकेशन, क्लियर। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट मस्ट बी कंसीडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ सर्किट कंपोनेंट। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोई सीरीज आरएलसी सर्किट आप बना रहे हैं, ठीक है, ये सीरीज आरएलसी सर्किट आप बना रहे आर एल और सी, तो आर और एल और सी की वैल्यू हमें कितनी लेनी है इसको डिसाइड करने से पहले हमको वोल्टेज मैग्निफिकेशन को भी कंसीडर करना चाहिए कि हमको कितना वोल्टेज मैग्निफिकेशन चाहिए, उसी के हिसाब से हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज मैग्निफिकेशन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है वो आता है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ एट रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। कि नेक्स्ट पैरामीटर इज बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। तो जब हम लोग बैंडविड्थ की बात करेंगे तो देखिए बैंडविड्थ होता क्या है, द बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज गिवन बाय द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वेयर द करेंट फॉल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल है, बैंडविड्थ क्या है, अभी हम लोगों ने जब देखिए पिछली वीडियो में आप देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने जहां पे करंट वगैरह डिस्कस किया है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, ठीक है, या इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट, इम्पीडेंस, इन सब में, उस ग्राफ में आप देखिए तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेजोनेंस पे अगर हम, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये करंट हो गया, अगर हम रेजोनेंस पे सीरीज रेजोनेंस सर्किट में अगर हम करंट ड्रॉ करेंगे तो करंट का ग्राफ इस तरह आएगा, और ये सीरीज रेजोनेंस में हमको मालूम है कि रेजोनेंस के टाइम करंट मैक्सिमम होती है आईएम, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ वो बैंड है, बैंड मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स रहती है। मतलब मान लीजिए ये है, यहां पे करंट कितनी है आई एम अपॉन रूट टू, अब इसको अगर आप ऐसे आगे इंक्रीज करेंगे तो देखिए एक फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी ये, दिस इज एफ वन, और एक फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी ये, दिस एफ टू। तो F1 से लेकर और F2 के बीच की जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या बोलते हैं बैंडविड्थ, यानी यू कैन से बैंडविड्थ में बी रिटेन एज F2 - F1, या इसको आप डेल्टा F इक्वल टू F2 - F1 लिख सकते हैं। मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिनके वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसपे करंट की वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होती है, वो दो फ्रीक्वेंसी हम मार्क कर लेंगे, और इसके बीच ये जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी ये टोटल आपका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये टोटल आपका कहलाएगा बैंडविड्थ, ठीक। अगर इसको हम पावर से रिलेट करें, जब आप इसको भाई इस फ्रीक्वेंसी, अगर हम आपसे कहें कि F1 फ्रीक्वेंसी पे पावर कितनी होगी, ऐसे PF1 बताइए और PF2 बताइए, तो जब आप पावर कैलकुलेट करेंगे F1 पे तो भी आप देखेंगे कैलकुलेट करके कि इसकी पावर आएगी -3 डेसिबल, यहां पे भी पावर कितनी आएगी -3 डेसिबल। तो इसीलिए इस F1 और F2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ऐसे कह लीजिए।
इन एफ वन और एफ टू को हाफ पावर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो अगर इस फॉर्म में हम बैंडविड्थ को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज ट्यून्ड सर्किट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज मत होइएगा, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच लाई बिटवीन लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच लाई बिटवीन हाफ पावर पॉइंट्स ऑन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। तो देखिए सब कुछ यही, ये हो गई आपकी एफ वन क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये वाली, समझ गए आप। एफ टू क्या हो गया, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। इन्हीं फ्रीक्वेंसी पॉइंट को हाफ पावर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हाफ पावर पॉइंट भी बोलते हैं। तो यानी कि एक तरह से फाइनली इसको फाइनल करते हैं कि बैंडविड्थ जो है क्या हो गया, बैंडविड्थ हो गया आपका वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और सॉरी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। इन्हीं को हाफ पावर पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और आप चाहे जैसे डिफाइन कर लीजिए इसको। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंडविड्थ। अब इसको अगर हम बात करेंगे कि बैंडविड्थ को सर्किट पैरामीटर्स की फॉर्म में अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो बैंडविड्थ को अगर आप सरकिट पैरामीटर की फॉर्म मतलब आर एल और सी की फॉर्म में आप निकालेंगे, ठीक है, तो वो डेरिवेशन अगर आप करना चाहेंगे तो उसको कर लीजिएगा, वो इजली सभी जगह पे सारी बुक्स में है, तो उसको जबरदस्ती जो बुक में छपा है उसको यहाँ पे करके और टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। आप सिंपली ये जब उसको डिराइव करेंगे तो एक दो रिलेशन जो है आपके वो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। एक तो ओमेगा जीरो मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी एट रेजोनेंस इज इक्वल टू आएगा आपका अंडर रूट ओमेगा वन ओमेगा टू, ठीक है। ये ओमेगा वन ओमेगा टू क्या है, और इसको अगर हम उसकी फॉर्म में लिखे, ये तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिख दीजिए, तो एफ जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वन एफ टू, ये दो रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी और यहां पे कौन सी चीज क्या है, आपको पता है एफ जीरो क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक। एफ वन लोअर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या लोअर हाफ पावर पॉइंट जो भी कह लीजिए आप, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। एफ टू क्या है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक तरह से आप इस फॉर्मूले को देखिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हम सब लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा 10+2 लेवल मैथमेटिक्स में, कि इफ सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी देन सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, क्लियर। सिमिलरली इफ एफ जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन एफ टू, इट मीन्स कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सीरीज आर एल सी सर्किट। आई होप कि इसमें और तो कोई चीजें आपकी रह नहीं गई हैं, ठीक है, और इसके जो प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किए हुए हैं सारे टॉपिक्स को, तो वो भी आप अगर आप वो तीनों चारों लेक्चर सीरीज एनालिसिस सर्किट के देख लेंगे पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट ये पसंद आ रहा है, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, या कुछ और टॉपिक जो नहीं कवर हो पाए हैं रह गए हैं, अगर आप उन पे चाहते हैं तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।